स्वागत है आपका दोस्तों व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। पाकिस्तान सुपर लीग का ये मैच नंबर 19 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स मैच हो गए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इस्लामाबाद लास्ट 5 हेड टू हेड गेम्स जीत के आ रहा है। इस टूर्नामेंट में भी इनके अगेंस्ट मैच जीते थे वो, और इस्लामाबाद क्लियर फेवरेट्स हैं। यहाँ पे बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, इस्लामाबाद का पलड़ा काफी भारी है। 19 मैचेस में से 13 इस्लामाबाद जीता है और कराची सिर्फ 6 ही जीता है। बात करें वेन्यू एनालिसिस की, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगर लास्ट 10 गेम्स देखें, टीम बैटिंग फर्स्ट 7 गेम्स जीती है और वहीं पे टीम बैटिंग सेकंड सिर्फ 3 ही गेम्स जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 163 का। बात करें पेस वर्सेस स्पिन की, तो पेसर्स का स्ट्राइक रेट रहा है 17.8 का और स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट रहा है 19.9 का। पेसर्स को थोड़ी सी ज्यादा हेल्प रहती है यहाँ पे। दोस्तों अब देख लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स। शादाब खान ने यहाँ पे 19 इनिंग्स में 487 रन बनाए हैं, क्लोज टू 35 का एवरेज है, 250s भी आई हैं उनकी। आजम खान ने 14 इनिंग्स में 276 रन जरूर बनाए हैं, बट इनका एवरेज थोड़ा लो रहा है सिर्फ 19.71 का। कॉलिन मुनरो के 4 इनिंग्स में 109 रन है, 150 आई है, और एलेक्स हेल्स ने 2 इनिंग्स में 101 रन बनाए हैं, 50.5 का एवरेज रहा है। बात करें इस्लामाबाद के बोलर्स की, तो रुमान रईस ने यहाँ पे 31 इनिंग्स में 31 विकेट्स लिए हैं। शादाब खान का ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, बैटिंग से तो रन करे ही हैं, बोलिंग से भी 21 इनिंग्स में 19 विकेट्स लिए हैं। हसन अली ने 14 इनिंग्स में 17 विकेट्स लिए हैं। अबरार अहमद ने यहाँ पे 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स लिए हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है 14.7 का सिर्फ। बात करें कराची के बैटर्स की, तो शोएब मलिक ने 26 इनिंग्स में 821 रन बनाए हैं, 45.61 का एवरेज है, जिसमें कि 850s भी आई हैं। हैदर अली के 17 इनिंग्स में 539 रन हैं, 41.46 का एवरेज है और 450s भी आई हैं उनकी। इमाद वसीम का भी काफी हेल्दी एवरेज है यहाँ पे 46.5 का, 18 इनिंग्स में 372 रन्स भी बटोरे हैं, एक ही 50 आई है। तैयब ताहिर के 6 इनिंग्स में 220 रन्स हैं, 36.67 का एवरेज है, और जब भी इन्हें स्टार्ट मिला है इन्होंने कन्वर्ट करा है, जो कि दिख रहा है इनके 6 इनिंग्स में 350 से। बात करें कराची के बोलर्स की, तो आमिर यामीन ने यहाँ पे 33 इनिंग्स में 23 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद आमिर ने 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स लिए हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है इनका 17.2 का। इमाद वसीम के 22 इनिंग्स में 18 विकेट्स हैं, मोहम्मद मूसा के 11 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं टॉप पिक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो सबसे पहले आ जाते हैं शादाब खान। 4 ओवर्स अपने पूरे डाल रहे हैं ये, 5 नंबर पे आके बैटिंग भी करते हैं। इनका एक्सीलेंट वेन्यू रिकॉर्ड हमने ऊपर डिस्कस किया ही है। टूर्नामेंट में अभी तक 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट दोनों ही गेम्स में अपने 2 फोर्स लेके आ रहे हैं, ये बैटिंग से भी वैल्यू ऐड करते हैं और इसीलिए एक टॉप पिक हो जाते हैं इस गेम में। अगले टॉप पिक हैं एलेक्स हेल्स। ये अवेलेबल हैं अब इस टूर्नामेंट में और शायद हमें प्लेइंग 11 में भी दिख सकते हैं। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं, अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। IL T20 में 12 इनिंग्स में 469 रन्स करके आ रहे हैं। वेन्यू पे भी 2 ही गेम्स खेले हैं, दोनों ही गेम्स में रन्स किए हैं, 52 और 49 की इनिंग खेली है यहाँ पे। अगले टॉप पिक हो जाते हैं आजम खान। हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलता है, एग्रेसिव बैटर्स हैं इनके और काफी चांसेस होते हैं कि अर्ली विकेट्स गिरें और आजम खान को एक अच्छा चांस मिलता है बैटिंग करने का। इनका परफॉर्मेंस भी डिसेंट है कराची किंग्स के बोलर्स के अगेंस्ट, विकेट कीपिंग से भी बैकअप देते हैं, आपको विकेट कीपिंग पॉइंट्स देते हैं। टूर्नामेंट में अभी तक 5 इनिंग्स में 170 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं अपनी टीम से। लास्ट टॉप पिक हो जाते हैं इस्लामाबाद से टॉम करन। कराची किंग्स का लोअर ऑर्डर वीक है और अगर इस्लामाबाद पहले बॉलिंग करती है तो टॉम करन हमें डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लोअर डाउन दी ऑर्डर आके एक हैंडी बैटर तो है ही है ये। 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक टूर्नामेंट में और लास्ट गेम में तो एक थ्रीफर भी लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं कराची किंग्स की तरफ। तो सबसे पहले टॉप पिक हो जाते हैं मैथ्यू वेड। फास्ट विकेट्स पे बैटिंग करना पसंद करते हैं ये, इनको पसंद आएगा ये सरफेस। टूर्नामेंट में अभी तक 7 इनिंग्स में 211 रन्स बना चुके हैं, लास्ट के 2 मैचेस में तो और अच्छे टच में दिखे हैं, 46 एंड 53 की इनिंग्स खेल के आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इमाद वसीम। एक्सीलेंट फॉर्म चल रहा है इनका बैट से। इस्लामाबाद की बैटिंग में काफी राइट हैंडेड बैटर्स हैं और बॉलिंग से भी, इसलिए 4 ओवर्स पूरे करते हुए दिखेंगे। इनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है उन अटैक्स के अगेंस्ट जिसमें राइट हैंडेड बैटर्स ज्यादा होते हैं।
अभी तक 7 इनिंग्स में 237 रन बना चुके हैं, 7 विकेट्स भी ले चुके हैं। और अगर इनका मैचअप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स के अगेंस्ट, तो कॉलिन मुनरो को 91 बॉल्स में 4 बार डिसमिस किया है, एलेक्स हेल्स को 38 बॉल्स में 2 बार डिसमिस किया है, रहमानुल्ला गुरबास को 29 बॉल्स में 2 बार डिसमिस किया है और शादाब खान को भी 19 बॉल्स में 2 बार डिसमिस किया है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है मोहम्मद आमिर। सबसे क्रूशियल ओवर्स जो होते हैं कि स्टार्ट और डेथ, वहां पे ये बोलिंग करते हुए दिखते हैं आपको। वेन्यू पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 19 विकेट्स लिए हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है इनका। टूर्नामेंट में अभी तक 5 इनिंग्स में 8 विकेट्स ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं कराची से, अपने लास्ट गेम में 4 विकेट्स चटका के आ रहे हैं। अगले टॉपिक है शोएब मलिक। वेन्यू पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे फॉर्म में भी दिखे हैं। टूर्नामेंट में अभी तक 7 इनिंग्स में 175 रन्स बनाए हैं, लास्ट के 3-4 गेम्स में इनके रन्स नहीं आए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इनकी एक बड़ी इनिंग अब ड्यू हो गई है। सबसे एक्सपीरियंस बैटर हैं अपनी टीम के एंड वी आर डेफिनेटली बैकिंग हिम टू कम गुड इन दिस गेम। तो दोस्तों अब चलते हैं डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं तैयब ताहिर। काफी कंसिस्टेंट बैटर हैं डोमेस्टिक सर्किट में। इनका वेन्यू का रिकॉर्ड अगर देखें तो 220 रन्स करे हैं यहाँ पे, 2 ही गेम्स खेले हैं अभी तक टूर्नामेंट में, उसमें से पहले ही गेम में 50 प्लस का स्कोर भी किया था इन्होंने। अगले डिफरेंशियल पिक हो जाते हैं एडम रॉजिंगटन। सिर्फ 15 ही रन बनाए थे अपने पहले गेम में, बट उसमें भी अच्छे टच में लगे थे ये, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देते हैं, एक अच्छा बैटिंग विकेट है, एक अग्रेसिव बैटर है ये, और SA20 से अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, वहां पे भी इन्होंने 10 इनिंग्स में 246 रन्स किए थे। तो दोस्तों अब चलते हैं सेफ कैप्टेंसी पिक्स की तरफ। वो इस गेम में हमारे लिए होंगे शादाब खान, इमाद वसीम और एलेक्स हेल्स। बात करें डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की, तो हम 2 प्लेयर्स को नॉमिनेट करना चाहेंगे, टॉम करन जिनकी की डेथ में बॉलिंग करते हुए वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है, और मैथ्यू वेड। तो आज के प्रीव्यू में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अगर और गेम्स के इनसाइट्स चाहिए, टिप्स चाहिए, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब व्यू स्पोर्ट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।